न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारिया में। और खारिया में आपको बता दूँ कि दिव्यांग बच्चों का एक प्ले स्कूल जो है वो खोला गया है, जिसका शुभारंभ जो है वो यहाँ पे आप देखिएगा कि ब्रह्म कुमारीज आश्रम से जो बहनें हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। और जननायक जनता पार्टी से हलका अध्यक्ष की अगर बात करें तो जयपाल नारायण जी वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि इस खारिया के जो दिव्यांग बच्चों का प्ले स्कूल है उसका विधिवत रूप से रिबन काट करके शुरुआत जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो की जा रही है। इसके बाद इस सेंटर के अंदर जो है वो किस तरह से किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है और क्या इस स्कूल को खोलने का मुख्य विजन है और यहाँ पे आने वाले तमाम जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है वो आप देखिएगा कि किस प्रकार से इस खारिया के दिव्यांग बच्चों के स्कूल प्ले स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। रिबन काट करके शुरुआत जो है वो इसकी की जा रही है और ब्रह्म कुमारीज आश्रम से बहनों के द्वारा जो है वो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा लगातार जो है वो बिना कट के। देखिएगा खारिया रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है और दिव्यांग बच्चों का निःशुल्क एवं निस्वार्थ सेवा संस्थान जो है वो इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि इस संस्थान को चलाने के लिए गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों का सहयोग जो है वो ज़रूर चाहिए होगा। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध है कि आप इस संस्थान में इस सेंटर में इन बच्चों की शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा के लिए जो है वो आप अपना सहयोग जो वो अवश्य दें। ये देखिएगा ये जो बच्चे हैं अभी अगर शुरुआती बात करें तो शुरुआती दौर में भी 20 से 25 बच्चे जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं और कुछ एक बच्चे जो है वो अपने आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए अब इनको किस प्रकार से एजुकेशन दी जाएगी, किस से इनको एजुकेट किया जाएगा और खेल खेल में इन बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो हम इस सेंटर के संचालक से लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा कि बच्चों के, क्योंकि ये प्ले स्कूल है और प्ले स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में टॉयज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। चलिए अभी इस सेंटर के जो संचालक हैं जिन्होंने इस शुरुआत को शुरू किया है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। हाँ सर, अगर बात करें तो ये सेंटर जो आपने अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है क्या मुख्य उद्देश्य है इसका, कितने बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं? सर सबसे पहले तो आपका के हरियाणा की टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारी जो खारिया गाँव में खारिया दिव्यांग सेवा समिति के नाम से हमने एक समिति तैयार की है जो इन जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए मतलब ये पूरा फ्री मतलब काम कर रही है। और पहले दिन ही आज हमने ओपनिंग करी है, आज हमारे पास पहले दिन ही 20 एडमिशन आ चुके हैं और हमारे पास आसपास के 20 गांवों से लोग आए हुए हैं। ये बच्चों को जो आप शिक्षा दोगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी या इनसे कुछ चार्ज भी लिया जाएगा? इनसे जी हमारे गांव से जो गणमान्य लोग हैं उनसे ही हम सहयोग लेके सारा कुछ फ्री में ही मतलब देंगे। अच्छा, मतलब कि पूरे गाँव का सहयोग करके दिव्यांग बच्चों से कुछ नहीं लिया जाएगा? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मतलब पूरा एक समिति के बेस पर ही हम इसको फ्री में मतलब रखेंगे। अच्छा फ्री। सर बच्चे जो हैं क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, इनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में इन बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाता है? सर सबसे पहले बच्चे का केस हिस्ट्री लिया जाता है जिसमें बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में चेक किया जाता है, बच्चे की कि फैमिली में कहाँ कहाँ पहले प्रॉब्लम्स आई है, बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, भी जन्म से हुई है या जन्म के बाद हुई है या जन्म से पहले जैसे मदर को, या फिर क्योंकि ये पैतृक भी होता है ना, क्योंकि आगे वंश टू वंश आगे चलता है, इस प्रकार की डिसेबिलिटी कई लोगों में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इन बच्चों के लिए अलग से टूल होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो नाम बताऊँगा, FACP फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम जो तैयार करते हैं उसके अंदर यूज होता है, बेसिक MR, OPANEN, MDPS, इस तरीके के कई सारे टूल होते हैं वो यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करने के बाद हमें पता चल जाता है बच्चे का लेवल, जो बच्चे को सिखाना क्या है, भी कितना बच्चे को आ रहा है, कितना बच्चे को आगे सिखाना है। सर नमस्कार। वैसे सामान्य जो विशेष बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है,
उसके लिए अलग से हमने ये समिति बनाई है यहाँ पे। जैसे जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको ब्रेल लिपि के द्वारा सिखाया जाएगा, और जो मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं जो अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप नहीं कर सकते, जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये एक्टिविटी सिखाई जाएगी उनको। ठीक है, मैम ये सिखाया कैसे जाएगा सर? वैसे इनको मुश्किल तो बहुत होगा इनको सिखाना। सर वैसे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। अच्छा। अभी बीएड कर रही हूँ, फाइनल ईयर की एग्जाम चल रही हूँ, स्टडी में हमने सीखा है अभी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से दीदी हैं हमारे साथ। दीदी आपका भी सहयोग रहेगा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आया करेंगे? ओम शांति। सबसे पहले खारिया में आज दिव्यांग स्कूल का उद्घाटन हुआ है, तो मैं हमारे जो अमित भाई हैं इनको भी मुबारक दे रही हूँ परमात्मा पिता शिव की ओर से। और जो भी इस दिव्यांग स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे खारिया गांव के सहयोगी भाई हैं उनको भी मैं मुबारक दे रही हूं कि उनके सहयोग से ही ये खारिया दिव्यांग स्कूल खोला गया है। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहन भी ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग बच्चों को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल का लाभ ले सके। जयपाल नैन जी हैं सर, आप भी जो है वो अध्यापन कार्य में रह चुके हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, तो ऐसे में इस शिक्षा समिति को लेकर के और आपका सहयोग जो है वो आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ कहना? देखो जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा मिस्टर अमित का, जो एक बहुत ही शिक्षित युवा एक होनहार विद्यार्थी रहा है और काफ़ी मतलब लैंग्वेज का भी ज्ञाता ये है। ये आप लोग अक्सर अखबार में इनके बारे में आता रहता है, सात भाषाओं के ना, सात भाषाओं के इनका ज्ञान है, सब्जेक्ट सात भाषाएं पढ़ रखी है। और इन्हें जो एक समाज सेवा करने का जो ये मकसद इसका था वो कर रहा है, तो मेरे सहयोग तो ये भी लगातार, ये जब भी मुझे कोई आदेश देंगे संभालने के लिए मैं बिल्कुल बकायदा इनको संभालता रहूँगा, जो भी मेरे से सहयोग हो सकता है वो सहयोग मैं करता रहूँगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। अगर आप इस सेवा समिति को, जो ये खारिया का रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसको अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और जो अकाउंट नंबर है या गूगल पे फ़ोनपे नंबर है वो मैं लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और आसपास के आपके इलाके के अंदर अगर आसपास कोई भी ऐसा दिव्यांग बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है जो दूसरे स्कूल में जाने से वंचित रह रहा है, उसको एक स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उस बच्चे को आप यहाँ पर खारिया में लेकर के आइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उस बच्चे को शिक्षा दी जाएगी और उसको इस लायक बनाया जाएगा कि आने वाले समय में वो किसी पे डिपेंड ना रहे, किसी पे निर्भर ना रहे, यानी कि किसी का मोहताज ना रहे, अपनी रोटी जो है वो खुद कमा सके, अपनी खुद की कमाई कर सके, इस लायक उसको बना करके सेंटर से निकाले जाने की बात जो है वो कही जा रही है। खैर, आप इस सेंटर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।